बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आलियाज़ किचन एंड ब्यूटी टिप्स में आपको वेलकम कहते हैं। जी मेरे व्यूवर्स, आप सब कैसे हैं? अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज आपके साथ जो मैं अपनी रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है तवा चिकन, जो कि बहुत ही मज़े की बनती है। झटपट सुपर डुपर रेसिपी है और बहुत ही यम्मी बनती है। तो आज मैं आपको अपने स्टाइल से बताती हूँ। यहाँ पे मैंने जो है तवा ले लिया है, इसके ऊपर जो है तकरीबन 2 टेबलस्पून जो है वो मैं ऑयल की शामिल कर लूँगी। इसके अंदर जो है ज़्यादा ऑयल नहीं डलता। ऑयल जब थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर जो है ये मैंने 2 चम्मच लिए हैं अदरक लहसुन का पेस्ट, ये शामिल कर दूँगी। ऑयल जो है वो गर्म हो चुका है। आप यकीन करें, तवा जो चिकन होता है उसका भी एक अपना ही टेस्ट होता है, ये भी बहुत ही मज़े का बनता है। ये बड़ी झटपट सी रेसिपी है और बहुत ही मज़े की होती है। तो जी मैं बस मैंने कहना था कि जिसने अभी तक जो है वो मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो कंप्लीट वॉच किया करें और बेल आइकॉन प्रेस कर लें ताकि मेरा डेली आने वाला जो नोटिफिकेशन हो आपको मिल जाए। तो प्लीज़, आपके अच्छे कॉमेंट की ज़रूरत होती है तो आप हमें अप्रिशिएट किया करें, हमें आपके ताउन की बहुत सख्त ज़रूरत होती है। जी यहाँ पे अदरक लहसुन जो है वो मेरा लाइट ब्राउन हो गया है। यहाँ पे जो है मैंने 1/2 kg चिकन ले लिया है। चिकन देखें बहुत ही मैंने इस तरह के पीसीज ले लिए हैं। आपने बहुत ज़्यादा छोटे पीस नहीं लेने। बहुत ही झटपट सी रेसिपी है, वो रेडी होने वाली है आलियाज़ के किचन में। अदरक लहसुन की बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। तो जी अब मैं आपको अपने स्पाइसेस दिखा देती हूँ। तो इसके अंदर स्पाइसेस जाएंगे। जी यहाँ पे जो मैंने है 1 टीस्पून हल्दी ले ली है, 1.5 टीस्पून सॉल्ट है, 2 टीस्पून जो है वो रेड चिली पाउडर है और जो 1 टीस्पून है वो कुटा हुआ ज़ीरा है और 2 टीस्पून जो है वो मैंने खुश्क धनिया ग्राइंड किया हुआ, जो मैं घर पर ग्राइंड करती हूँ, अब वो शामिल कर दूँगी मैं। मसाले मैंने मिक्स कर दिए हैं। अब इसके अंदर जो है मैं टमाटर को ऐसे शामिल करूंगी। यहाँ पे मैंने 1 प्याली भर के टमाटर लिए हैं, चॉप कर लिए हैं। यहाँ पे अब कुछ टमाटर जो है वो मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी। देखिए कितना अच्छा इसका कलर आ रहा है। ये टमाटर मैंने इतने बारीक काटे हैं कि ये भी इसके जो है ना बहुत अच्छी तरह मिक्स हो जाएंगे।
चिकन क्योंकि थोड़ा थोड़ा अपना पानी भी छोड़ रहा है तो ये इसके अंदर बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। जी माशाल्लाह ये देखिए यहाँ पे टमाटरों ने और चिकन ने अपना पानी छोड़ा है और टमाटर इसमें काफ़ी अच्छे से गल भी गए हैं। ये देखिए बहुत ही मज़े का लग रहा है। आंच जो है अभी जो है मैंने मीडियम हाई रखी हुई है, फुल नहीं रखी। अभी ये मीडियम हाई पे इसने अपना पानी भी छोड़ दिया है और ये बहुत अच्छे से कुक भी हो रहा है। अब इसके अंदर मैं जो है थोड़ी सी सब्ज़ मिर्ची हैं वो डाल दूंगी, तो ये क्योंकि जब पक रही होती हैं तो इनका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। जो हमारी तवा चिकन है ये लगा है कि आप किसी ढाबा से खा रही हैं, ढाबा स्टाइल का जो है वो हमारा तवा चिकन रेडी हो रहा है। अभी ये इसका जो पानी है वो खुश्क हो रहा है जो टमाटरों ने अपना पानी छोड़ा हुआ था। ऑयल मैंने इसके अंदर बहुत थोड़ा सा डाला है। अभी यहाँ पे आके जो है हम 2 टेबल स्पून इसके अंदर दही शामिल कर देंगे। जी नाज़रीन ये देखिए माशाल्लाह मेरा तवा चिकन किस कदर मज़े का लग रहा है और आप लोगों ने मेरी रेसिपी को ज़रूर ही ट्राई करना है। और जी अब मैंने जो है इस सारे मसाले को अब मैंने इकट्ठा करके मिडल में कर देना है और अब इसको थोड़ी देर के लिए जो है वो मैं कवर अप कर दूँगी क्योंकि ये थोड़ा सा मिक्स हो जाएगा। ये जो बाकी टमाटर मेरे बचे हुए थे वो मैंने इसके अंदर शामिल कर दिए हैं, थोड़ी सी सब्ज़ मिर्ची मैंने शामिल कर दी हैं और अब इसको जो है मैं तकरीबन 8 या 10 मिनट के लिए इसको जो है ये मैंने कवर कर दिया है। ये अब अंदर से आपको नज़र आ रहा होगा ताकि ये थोड़ा सा मसाला गल जाए। तो फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद। अब जो बीच में मेरे पास टाइम है वो मैं सब्ज़ चटनी बना लेती हूँ क्योंकि इसके साथ चटनी बहुत मज़े की लगती है। जी अब मैं सब्ज़ चटनी बना लेती हूँ। ये मैंने पुदीने के 2 बंच लिए हैं, थोड़ा सा धनिया लिया है और सब्ज़ मिर्चें और नमक, और अब मैं इनको ग्राइंड कर लेती हूँ क्योंकि इसके साथ ग्रीन चटनी बहुत मज़े की लगती है। जी माशाल्लाह ये देखिए कितना सुपर डुपर मसाला और मेरा जो तवा चिकन है। जी ये देखें अब ये माशाल्लाह कितना अच्छा से पक गया है और खुशबूएं पूरे घर से आ रही हैं माशाल्लाह। जी अब इसके ऊपर जो है मैं थोड़ा सा जो है वो लेमन जो है फ्रेश जूस डाल दूंगी, उससे जो टेस्ट है वो बूस्ट होता है और बहुत ही अच्छा आता है। फ्रेश जूसेस ये देखिए माशाल्लाह लेमन का।
जी अब माशाल्लाह मेरी जो है तवा चिकन रेडी हो गया है। अब इसके अंदर मैंने बटर रखना है। यहाँ पे मैंने तकरीबन 2 टेबलस्पून या 3 टेबलस्पून मैंने बटर लिया है। ये मेल्ट हो जाएगा और अब मैंने इसके अंदर सब्ज धनिया, देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा लग रहा है, और अब मैं सब्ज मिर्ची शामिल कर दूंगी। वेरी टेस्टी, वेरी यमी, और आपने अब मेरी रेसिपी को जो है ज़रूर ट्राई करना है। जी माशाल्लाह ये देखें मेरा तवा चिकन रेडी, साथ ये जो है मेरी चटनी भी पुदीने की रेडी हो गई है। जी अब इसको मैं ट्राई करती हूँ ये कैसा बना है। बहुत ही खुशबू अच्छी आ रही है, वाओ, वेरी क्रिस्पी, वेरी यमी, और बहुत ही अच्छा बना है। तो जी अब आपने मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और आपने मुझे फीडबैक देना है कि आपको मेरी तवा चिकन रेसिपी कैसी लगी पुदीने की चटनी के साथ।